नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मथुरा में आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। चाहे ब्रज नगरी की सड़कें हों या मंदिर, हर ओर कान्हा के जन्मोत्सव की खुशियां छाई हुई हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जब आज मंगला आरती के समय भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया गया, तो अभिषेक शुरू होते ही भक्तों में जोरदार उत्साह देखने को मिला, जहां पर हर भक्त राधे राधे के नारे लगाते हुए दिखाई दिया। आपको बता दें कि पंचामृत अभिषेक में सेवायत पुजारियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दूध, दही, शहद, बूरा और घी से अभिषेक किया जाता है। हर साल इसी तरह से भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ नजर आ रही है और पूरा मथुरा झूमता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ मथुरा ही क्यों, पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जो धूम है वो लगातार नजर आ रही है और उसकी तस्वीरें जो हैं वो मन मोह लेने वाली है। तो मंदिरों में कृष्ण के जयकारे गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। राधे राधे के नारों से ब्रजधाम जो है वो गूंजता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना काल की वजह से हालांकि थोड़ी सी पाबंदियां हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस साल छूट बहुत ज्यादा दी हुई है। यानी कि भक्त अब मंदिर जा सकते हैं और वहां पर आसानी से पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो आरती हुई थी उसमें भी शामिल भक्त हुए थे, जिसकी तस्वीरें आप प्रेजेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मथुरा की तस्वीरें, ब्रजनगरी में कान्हा के जन्मोत्सव की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो आज अष्टमी का त्योहार जो है वो पूरे भारत में मनाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ भारत ही नहीं, जो कृष्ण भक्त हैं वो विदेशों में भी रहते हैं। कई कृष्ण के मंदिर हैं जो विदेशों में भी है, वहां पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो नजर आ रही है। मथुरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मथुरा में भक्तों में उत्साह जो है वो छाया हुआ है। मन जो चेहरे हैं और जो मन है वो पूरी तरह से उत्साहित है श्री कृष्ण की भक्ति में। राधे राधे के जो नारे हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो आरती हो, चाहे वो तमाम जो यहाँ पर देखा जाए तो अलग अलग श्रेणी में जो भक्त हैं वो तैयार होकर निकले हैं। इसके अलावा कई तरह की ऐसी छवि जो है वो लगाई गई है जो मन मोह लेने वाली है। तो मथुरा से खबर सामने आई है, जहां पर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जय श्री कृष्ण के नारे जो है वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजधाम भी जो है वो भी पूरी तरह से राधे राधे के जयकारों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। भक्तों में उत्साह छाया हुआ है, राधे राधे के नारों से ब्रजधाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में जो कृष्ण भक्त हैं वो रमे हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें खास आप देख रहे हैं मथुरा से, और मथुरा ही क्या, देश के कोने कोने से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो। आपको बता दें कि कोरोना काल की वजह से हालांकि तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो यहां पर परियोजनाएं की जाती हैं वो नहीं है, लेकिन यहां पर ये जरूर देखा जा सकता है कि भले ही कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी भीड़ कम है, वो उत्साह, वो रंग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मन में जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। तो राधे राधे और कृष्ण के नारों से पूरा वृंदावन ब्रजधाम गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अलौकिक तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। लोग अपने घरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी जो परिवार वाले हैं वो तैयार करके उनका फोटो सेशन कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। मैं समय मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर, जहाँ पर आज अष्टमी का जन्म मनाया जाएगा, उसका उत्सव किया जा रहा है, जिसमें आज सुबह अभी हमने आपको दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के अंदर जहाँ भागवत भवन में भगवान जी का अभिषेक किया गया है, मंगला आरती की गई है। जिस तरह से यहाँ पर मंगला आरती के लोगों ने, भक्तों ने दर्शन किए, उनका उत्साह देखते ही बनता है। हर तरफ राधे राधे की गूंज गूंजी हुई है, चाहे वो सड़क हो या जन्म स्थान, मंदिर हो या बाहर, हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर लोग बड़ी दूर दूर से आए भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जिस तरह से मैं बता दूँ, मंदिर में चारों तरफ भीड़ ही भक्तों के सैलाब है, और यहाँ मंदिर के ये जो एग्जिट गेट है यहाँ पर भी बाकी लोगों की बहुत भीड़ है, बाहर से लोग बहुत सारे आए, और भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव यहाँ पे सभी लोग बड़े जोश और उल्लास के साथ मना रहे हैं। क्योंकि आज रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, लेकिन उससे पहले
भगवान जन्मोत्सव के धूम जो है वो मथुरा में देखने को मिली है। चारों तरफ राधे राधे के जयकार हो रही है और उसके साथ ही कुछ लोग यहाँ आए, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से कहाँ से आए हो भाई आप, कहाँ से आए आप लोग? आगरा। आगरा बहुत बढ़िया है, दर्शन कैसे हुए? बहुत बढ़िया। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए भाई? हम दतिया। अच्छा, अपने साथ ना ले जाए अथवा ठहरने के स्थान पर छोड़कर आए? का अच्छा लग रहा है और क्या, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बढ़िया दर्शन हुए भगवान जी के, बहुत अच्छे। रंग की नीले रंग की नॉर्मल से क्या बोल, भक्त है क्योंकि भक्तों की इस समय जो श्रद्धा है वो भाव है वो अलग ही है, जिसको वो शब्दों में महसूस शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और जिसका नज़ारा आप साफ देख सकते हैं कि जन्म स्थान पर जो जन्म स्थान सचिव के द्वारा तैयारी की गई है वो भी बड़ी मनोहारी है। जिस तरह से हरि निकुंज भव्य मंदिर में आज भगवान को जो है सजाया गया है, पीताम्बरी पहनाई गई है उनको, मोर पंख और दुपट्टे के साथ साथ उनका बड़ा मनोहारी दर्शन जो है यहाँ भक्तों को देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ मंदिर में जो सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं उसको मैं आपको दिखा दूं। जिस तरह से यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको सबको पहले चर्च और पढ़ने के बाद ही यह मंदिर में घुसाया, हर तरफ पुलिस और पीएसी के साथ साथ बाकी जो अधिकारी हैं वो पोस्ट हैं, पूरी तरफ हर तरफ सुरक्षा का काफ़ी पुख्ता इंतजाम। और अब आगे बढ़ते रुक कर रहे हैं कुछ और खबरों का। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत का बोलबाला लगातार नजर आ रहा है। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। भारतीय पैरा एथलीटों ने एक गोल्ड समेत चार मेडल अपने नाम कर लिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने चारों मेडल विजेताओं को बधाई देते हुए इसे भारतीय खेलों के इतिहास का सुनहरा दिन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आप सभी एथलीट की ये सफलता देश के लिए गर्व का पल है और कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज पैरा शूटर अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा डिस्क थ्रो की F56 स्पर्धा में योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल और जेवलिन थ्रो में F46 कैटेगरी में देवेंद्र झाजरिया ने सिल्वर तो सुंदर गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा की सफलता को असाधारण बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, असाधारण प्रदर्शन अवनी लेखरा, आपको गोल्ड मेडल जीतने पर बहुत बहुत बधाई। आपने इस मेडल के लिए बहुत मेहनत की थी और आप इसे डिजर्व भी करती थी। साथ ही उन्होंने लिखा कि आपके मेहनती स्वभाव और शूटिंग के प्रति आपके जुनून से ही आपने ये सफलता हासिल की है। ये भारतीय खेलों के इतिहास का एक बेहद ही खास पल है। आगे भी आप इसी तरह देश का नाम रोशन करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। वहीं अवनी के गोल्ड मेडल जीतने के कुछ देर बाद ही योगेश कठुनिया के डिस्क थ्रो की F56 स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता। पीएम मोदी ने योगेश की सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा है कि योगेश कठुनिया का शानदार प्रदर्शन, हमें खुशी है कि आपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। वहीं सुंदर गुर्जर के लिए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, सुंदर गुर्जर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही पूरा भारत भारतीय एथलीटों की सफलता का जश्न मना रहा है। सुंदर ने आज अपने अद्भुत साहस और समर्पण में देश का नाम रोशन किया, आपको इस जीत के लिए बधाई है। तो पैरा ओलंपिक्स में ये मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। अवनी लेखरा ने गोल्ड जीता है जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विजेताओं को बधाई दी है और सभी के लिए ट्वीट किया है। वही यूपी के बाराबंकी में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे मीडिया कर्मियों की कथित रूप से पिटाई करने के आरोप में 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को ही घटना में 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। SP बाराबंकी यमुना प्रसाद ने बताया कि 4 लोगों को मीडिया कर्मी की पिटाई के मामले में गिरफ्तार किया गया है जो टीकाकरण अभियान को कवर कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि टीकाकरण अभियान में अवैध रूप से लगाए गए टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक जैतपुर थाने के मानपुर देहुआ गाँव में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। टीकाकरण के लिए कुल 150 ग्रामीण मौजूद थे। वहां टीकों का प्रशासन
जो लगे हुए थे और यहाँ पर तमाम तैयारियां भी की हुई थी। वहीं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो श्रावस्ती जिले में तैनात थे और वहीं से वैक्सीन लाए थे। इस मौके पर कोवैक्सीन की खाली और भरी शीशियां भी मिली। वहीं मीडिया ने जब टीकाकरण अभियान की रिकॉर्डिंग शुरू की तो स्वास्थ्यकर्मी और ग्रामीण भड़क गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया वालों के कमरे में बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में मीडिया कर्मियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ मारपिटाई की गई है और उनके कैमरे भी तोड़ दिए गए हैं। किसने आप वैक्सीन प्रोवाइड कराया? वहीं से लिया है, यहाँ लगाने के लिए। नहीं तो क्या मतलब कोई कहाँ से लगाया? कहाँ से लेकर? कौन मंगवाता है यहाँ पे? किसने मंगवाया आपके? मतलब आपको अधिकार किसने दिया वैक्सीन वहाँ से यहाँ लाने का? नहीं वो सर, तो कोई आप वैक्सीन कैसे लिया है? कितना वैक्सीन कितने दिन से लगाया थे? कितने लोगों को लगाया यहाँ पे? सौ लोगों को लगाया। नहीं तो आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप कैसे श्रावस्ती से यहाँ कैसे लगा? कितने पैसे लिए वैक्सीन लग रहे हैं? फ्री में लग रहे हैं, फ्री में लग रहे हैं। लेकिन पब्लिक की डिमांड पे यार लगाने आए। अरे पब्लिक डिमांड कर लेगी तो हम भी लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट वाले आते तो यहाँ लगाते नहीं। अच्छा। नहीं ये बताइए आपको लगा कि चला वो भरा आपने? ऑनलाइन है, आप यहाँ पे श्रावस्ती से यहाँ क्यों लगवाने आए? यहाँ पे नहीं लग पा रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रविंद्र पटेल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है, उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया, क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? जी बिल्कुल, बता दूं यहाँ पर जो है मीडिया कर्मियों ने जब इस फर्जी वैक्सीनेशन के कवरेज के लिए वहां पर गए तो वहां पर उग्र ग्रामीण और जो स्वास्थ्य कर्मी थी उन्होंने उनको घेर लिया और कमरे में बंद करके उन जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई है। इस पर जब यहाँ उच्च अधिकारियों को मीडिया कर्मियों द्वारा जब सूचना दी गई तो वहां पर मौके पर कई थानों की फोर्स भेजी गई। फिलहाल कप्तान ने सख्त रुख अख्तियार किया है मीडिया कर्मियों के हमले को लेकर, तो इसमें जो है 18 लोगों को नामजद किया गया है और 50 लोग अज्ञात है जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। कोरोना जो टीकाकरण करवाया जा रहा है देश भर में एक बहुत बड़ा अभियान है और पूरी तरह से इस पर विश्वास किया जा रहा है। ऐसे में अगर मीडिया कर्मी वहां जाते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारे देश में हमारे जिले में किस तरह से कोरोना टीकाकरण किया जा रहा है, अगर उन्ही मीडिया कर्मियों पर यहाँ मारपिटाई की जाएगी, उनके साथ अभद्रता की जाएगी, तो आखिरकार फिर देश को कैसे पता चलेगा कि हमारे देश में कौन कौन से जिलों में और कौन कौन से गाँव में टीकाकरण करवाया जा रहा है? देखिए बता दूं ये यहाँ पर कोई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं किया गया था, जनपद के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीकाकरण नहीं किया जा रहा था। एक फर्जी डॉक्टर है जो श्रावस्ती जिले का स्वास्थ्य कर्मी है, ये वहाँ श्रावस्ती जिले से वैक्सीन लाकर बाराबंकी जनपद के जयपुर थाना क्षेत्र के मानपुर डेहुआ गाँव में ये वैक्सीन कर रहा था रात के 10 बजे। रविंद्र जी, यानी पूरी तरीके से फर्जी टीकाकरण था जिसका खुलासा करने के लिए मीडिया कर्मी वहाँ पहुंचे थे? जी बिल्कुल, फर्जी वैक्सीनेशन था, रात के 10 बजे फर्जी वैक्सीनेशन कराया जा रहा था, रुकिए लेकर जो है फर्जी वैक्सीनेशन कराया जा रहा था क्योंकि इस समय वैक्सीनेशन सेंटरों पर काफी भीड़ होती है जिसके चलते लोग काफी परेशान होते हैं, तो अगर पैसे देकर भी लगवाने की बात आती है तो ग्रामीण लोग वहां पहुंच जाते हैं। ऐसा ही फर्जी वैक्सीनेशन था, ये कई बार आ चुका था। इस बार जब जानकारी मिली तो मीडिया कर्मी वहां पर कवरेज करने के लिए गए तो वहां पर उग्र भीड़ और स्वास्थ्य कर्मियों ने उनको घेर लिया और यहां पर उनके साथ मारपिटाई, लूट और जिंदा जलाने की कोशिश की गई। फिलहाल यहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 18 नामजद है, 50 के खिलाफ अभियान मुकदमा लिखा गया है और पुलिस जो है इन जो 18 में से 14 बच्चे हैं इनकी पकड़ के लिए लगातार पुलिस दी जा रही है और जो 50 लोग अज्ञात हैं उनकी भी यहां पर निशानदेही की जा रही है, जो पकड़े जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसमें बाराबंकी पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर गंभीर जो रुख अख्तियार किया है, कड़ा रुख अख्तियार किया है और इस पर कार्रवाई बाराबंकी पुलिस की। बिल्कुल रविंद्र, यहाँ पर फर्जी टीकाकरण करवाया जा रहा था, मीडिया कर्मी जाते हैं उस बात का खुलासा करने के लिए, उनके साथ मारपिटाई की जाती है, जो ग्रामीण है वो बीच में क्यों आए हैं, उन्होंने क्यों मीडिया कर्मी के साथ अभद्रता की है, क्योंकि जानकारी तो ऐसे भी मिल रही है। जी बिल्कुल, बता दूं आपको, मैंने पहले ही बताया है कि कोरोना जो यहाँ पर वैक्सीन जो है सेंटरों पर जो सीएससी होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या
कैंप लगाकर जो जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, वहाँ काफी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, काफी भीड़ हो जाती है, जिसके चलते वहाँ आधे लोगों को ही वैक्सीन लग पाती है, आधे लोगों को दूसरे दिन आने के लिए बोलकर वैक्सीनेट जो है बंद कर दिया जाता है। तो इस भीड़ को लेकर काफी लोग जो दो तीन तीन दिन जाने के बाद भी जो जिनको वैक्सीन नहीं लग पाती है, वो ऐसे जो है अगर प्राइवेट कहीं लगता है, पैसे देकर लगने की बात आती है, तो परेशान हो जाते हैं। तो 100 150 या 200 में अगर टीका लग रहा है तो वो लगवाने के लिए पहुंच जाते, तो इसी को लेकर वो लोग परेशान थे। यानी ये भी कहा जा सकता है रविंद्र की ग्रामीण जो है वो पूरी तरह से जागरूक नहीं है कोरोना टीकाकरण को लेकर, क्या इसको लेकर आगे कोई कदम उठाएगा प्रशासन? देखिए यहाँ पर इस समय जो है कोरोना का जो टीका है अनिवार्य कर दिया गया है, कहीं यात्रा करना है कुछ भी है तो वहाँ पर आपको दिखाना होगा, साक्षी दिखाने होंगे कि आपने वैक्सीन ले, लेकिन फर्जी टीकाकरण थोड़ा दिखाना है रविंद्र, फर्जी टीकाकरण थोड़ा दिखाना है, जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है टीकाकरण तो वही दिखाना है ना जी। बिल्कुल ये जो है जागरूकता नहीं थी, फिलहाल ये वैक्सीनेट करके वहाँ पर ये फर्जी जो है बना दिया जाता था, एक जो टीकाकरण का जो सर्टिफिकेट होता है वो दे दिया जाता था, ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा था। जो ग्रामीण है वो जागरूक नहीं थे, इसमें किसी की जान भी जा सकती थी, पता नहीं कैसी वैक्सीन है, क्योंकि जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये वैक्सीनेट नहीं करवाया जा रहा था। श्रीवास्ती जिले से आकर एक स्वास्थ्यकर्मी अपने आप को बताता है वो वैक्सीनेट कर रहा था, यहाँ किसी की भी जान जा सकती थी, क्योंकि वहाँ 100-150 ग्रामीण मौजूद थे और 50 लोग लगभग में वहाँ पर वैक्सीनेट हो चुके थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, जैसे ही जो मीडिया को इस बारे में जानकारी मिली तो वो लोग वहाँ रात के 10 बजे वहाँ पर कवरेज करने गए, उस गांव को कवरेज करने गए। कवरेज के दौरान वहाँ पर जो स्वास्थ्यकर्मी है और जो ग्रामीण है वो उग्र हो गए, इसके चलते ये हादसा हुआ है। फिलहाल इसमें 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और 18 अभी नामजद है और 50 अज्ञात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर फर्जी टीकाकरण करवाया जा रहा था, जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं इसका खुलासा करने के लिए, तो ग्रामीण और जो यहाँ पर फर्जी स्वास्थ्यकर्मी थे वो मिलकर मीडिया कर्मी के साथ मारपिटाई करते हैं, उनके कैमरे तोड़ देते हैं, साथ ही साथ उन्हें कमरे में बंद करके आग लगाने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि भले ही हम इतने बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण कर रहे हो, सरकार कर रही हो, राज्य सरकारें कर रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है। तभी अगर 100 रुपए या 150 रुपए में कोई उनको ये कहता है कि टीकाकरण करवाया जा रहा है तो वो आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं और टीकाकरण करवा लेते हैं। वहीं देश भर में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। जन्माष्टमी के ही दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कोरोना संकट की वजह से इस बार दही हांडी कार्यक्रम की वैसी रौनक नहीं रहेगी जैसी आमतौर पर रहा करती थी, लेकिन मंदिर सज चुके हैं और भक्त वहां दर्शन को पहुंचना भी शुरू हो चुके हैं। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं इस मौके पर सीएम योगी भी आज श्री कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। तो मथुरा में शोभा यात्रा निकाली गई है, ऐसी यात्राएं तमाम आज पूरे दिन देखने के लिए मिल सकती हैं। दर्शन करने योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, चाक चौबंद जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता कर ली गई है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ नजर आ रही है, खासकर की मथुरा में, और मथुरा में जो कृष्ण भक्त हैं वो शोभा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा जल्द ही पधारेंगे। अभी फिलहाल समय ये नहीं पता है कि किस समय पहुंचेंगे, लेकिन कार्यक्रम की जो अपडेट है जो भी आती रहेगी लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए पंडित चंद्रशेखर शर्मा के साथ हफ्ते भर की भविष्यवाणी।